मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माई चैनल ऐश्वर्य साइंस क्लासेस। इफ़ यू वॉन्ट टू सी योर ऑल सब्जेक्ट्स देन यू मस्ट हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड यू मस्ट हैव टू लाइक माई चैनल। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई चैनल। सॉरी, लेट्स स्टार्ट योर नेक्स्ट लेसन ऑफ क्लास 8। योर नेक्स्ट लेसन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एज फ्यू। फ्रेंड्स मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे दोस्त भी होते हैं और हमारे शत्रु भी होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारे दोस्त और शत्रु ये दोनों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने दोस्तों और शत्रुओं के बारे में कि कौन हमारे दोस्त हैं और कौन हमारे शत्रु हैं। तो शुरू करते हैं अपने दोस्त और शत्रुओं के बारे में। तो there are many kinds of living things found around us and also living inside our body. There are many small living organisms which are invisible to the naked eyes. We need a microscope to see these tiny organisms. Micro organisms are known as the microbes. To ध्यान रखिएगा, there are many kinds of living things फाउंड अराउंड अस। हमारे चारों ओर कई ढेर सारी जीवित चीज़ें पाई जाती हैं। एंड आल्सो लिव इनसाइड आवर बॉडी, और ये हमारे शरीर के अंदर भी रहते हैं। दे आर मैनी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये बहुत छोटे छोटे जीवित जीव होते हैं। विच आर इनविजिबल, जो अदृश्य होते हैं। अदृश्य का मतलब आप जानते हैं। अदृश्य का मतलब जैसे मिस्टर इंडिया आप लोगों को दिखाई नहीं देते थे, इसी तरह से ये ऑर्गेनिज्म भी आपको नेकेड आइज के द्वारा दिखाई नहीं देते थे। ये जो आप लोगों के ऑर्गेनिज्म हैं ये केवल एक ही चीज़ के द्वारा देखे जा सकते हैं, और वो है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। दिस टिनी ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। And these microorganism are known as microbes. और इनको हम किसके नाम से जानते हैं? Microbes के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, The study of organism or microbes is known as the microbiology. और जिसके अंतर्गत हम microorganism या microbes के बारे में study करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? Microbiology कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की एक ब्रांच है। द साइंटिस्ट हु स्टडी माइक्रोबायोलॉजी इज़ नोन एज माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो ध्यान रखिएगा कि वह विज्ञान, वह साइंस जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, ऐसे स्टडी को या ऐसे विज्ञान को हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, सूक्ष्म विज्ञान कहते हैं। और ऐसे लोग जो क्या करते हैं, इन ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, या ऐसे साइंटिस्ट जो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, ऐसे साइंटिस्ट को हम माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। वेयर, कहाँ Do microorganism live? जो सूक्ष्म जीव हैं वो कहाँ रहते हैं? भाई अगर जीव हैं तो वो कहीं ना कहीं रहेंगे, है ना। तो जैसे ऊपर बताया हुआ था कि हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं वो एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, और कुछ होते हैं जो हमारे बॉडी के इनसाइड भी होते हैं, है ना। तो इस तरह से हमारे जो जीव हैं वो एटमॉस्फेयर में कहाँ पाए जाते हैं, बॉडी में कहाँ होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम इसमें स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आवर नेक्स्ट टॉपिक, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट एवरीवेयर। ध्यान रखिएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट एवरीवेयर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट एवरीवेयर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी जगह पाए जाते हैं, सच एज, चाहे वो क्या हो, एयर, वाटर, सॉइल, फूड स्टफ, सीवेज, एज वेल एज इनसाइड आवर बॉडी, चाहे वो हमारे शरीर के अंदर भी क्यों ना हो। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? एयर में, वाटर में, सॉइल में, खाने की सामग्री में, सीवेज में, एज वेल एज इनसाइड आवर बॉडी। इट इज़
impossible to think to any place without them. It is impossible. यह असंभव है to think, यह सोचना, क्या सोचना, of any place, कि हमारा कोई भी स्थान without them, इनके बिना हों. Means ये हमारा सोचना असंभव है कि कहीं भी ये ऑर्गेनिज्म ना पाए जाते हों. Everywhere these organisms are presented, सभी जगह ये ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, पाए जाते हैं. The maximum number of microbes is found in nature, substrata rich in organism food have a suitable temperature and moisture for their growth and multiplication. अब क्या कह रहा है कि इनकी जो सबसे ज़्यादा संख्या होती है वो हमारे कहाँ होती है, नेचर में होती है, ऑर्गेनिक फूड में होती है, और सबसे ज़्यादा ये उन स्थानों में पाए, ये कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या हो, टेम्परेचर हो और मॉइस्चर हो. मीन्स जहाँ पर इनके लिए टेम्परेचर और मॉइस्चर सुटेबल होता है वहाँ पर ये क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा ग्रोथ करते हैं और मल्टीपल करते हैं. मीन्स अपनी संख्या में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं. मोस्ट माइक्रोब्स आर हार्मलेस, इनमें से क्या होते हैं, अधिक माइक्रोब्स होते हैं जो हार्मलेस होते हैं और इवन बेनिफिट टू ह्यूमन, और कुछ होते हैं जो ह्यूमंस के लिए क्या होते हैं, बेनिफिट होते हैं. सम माइक्रोब्स आर एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर ह्यूमन एंड एनिमल, और कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के लिए और एनिमल्स के लिए क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं. एनिमल्स आर होस्ट टू माइक्रोब्स, और जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, होस्ट होते हैं, ध्यान रखिएगा, पोषद होते हैं. होस्ट का मतलब होता है पोषद, टू माइक्रोब्स, किसके लिए, माइक्रोब्स के लिए. भाई क्यों, क्योंकि जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, माइक्रोब्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं, सो फॉर दैट दे आर द होस्ट, बिकॉज दे प्रोवाइड माइक्रोब्स विथ फूड एंड शेल्टर. ये क्या करते हैं, माइक्रोब्स को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करवाते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज अ होस्ट, इनको हम क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं. अंडरस्टैंड, चलिए देखते हैं अब अगला टॉपिक क्या है. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अगर आप लोगों को लेशन समझ में आ रहा हो तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. न्यू स्टूडेंट्स मस्ट बी सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट इन माई इनबॉक्स हाउ द वीडियो इज़. ओके चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं. अब आता है अपना टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सम माइक्रोब्स लिव अलॉन, कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो केवल अकेला रहना चाहते हैं, वाइल अदर ग्रो इन ग्रुप्स, लेकिन कुछ होते हैं जो किस में पाए जाते हैं, समूह के रूप में पाए जाते हैं, कॉल्ड कॉलोनी. और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो आपस में रहते हैं उनको हम किसके नाम से जानते हैं, कॉलोनी के नाम से जानते हैं. ध्यान रखिएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू फाइव मेन टाइप्स. और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको हमने पांच भागों में बांट रखा हुआ है. विच आर फॉलोइंग, जो फॉलो, जो निम्नलिखित हैं, फर्स्ट वन इज़ बैक्टीरिया, सेकेंड वन इज़ प्रोटोजोआ, थर्ड वन इज़ फंगी, फोर्थ वन इज़ एल्गी एंड फिफ्थ वन इज़ वायरस. दे आर द टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, ये माइक्रोब्स के टाइप्स हैं. बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड माइक्रोब्स विच आर फाउंड ऑल अराउंड अस. ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया कैसा ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड है, कहाँ पाया जाता है, हमारे चारों ओर पाया जाता है. दे आर ऑलमोस्ट द स्मॉलेस्ट, ये क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं. और ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म, ये सबसे पुराना ऑर्गेनिज्म है ऑन आवर प्लैनेट, हमारे इस प्लैनेट का बैक्टीरिया एग्जिस्ट इन ए सिंगल सेल्ड. बैक्टीरिया क्या होता है, सिंगल सेल्ड होता है, मीन्स ये केवल एक ही सेल का बना होता है, और इन द फॉर्म ऑफ अ चैन और अ ग्रुप ऑफ सेल. ये किसका बना क्या करता है, इन द फॉर्म ऑफ अ चैन, ये एक चैन श्रृंखला के रूप में भी रहता है, और अ ग्रुप ऑफ सेल, या तो ये कोशिकाओं का समूह बनाता है. दे आर फाउंड इन डिफरेंट शेप, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, लाइक रॉड शेप्ड, स्फेरिकल शेप्ड, कर्व शेप्ड और स्पाइरल शेप्ड.
ये क्या होते हैं, ये आपके बैक्टीरिया होते हैं जो इनका सेप होता है, ये इस प्रकार का होता है। जैसे अगर हम बात करें रॉड सेप्ड की तो बेसलस बैक्टीरिया होता है, स्फेरिकल सेप का ओसाई बैक्टीरिया होता है, कर्व सेप कॉमा बैक्टीरिया एंड स्फेरिकल सेप स्फेरिकल बैक्टीरिया होता है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रोटोजोआ। तो देखते हैं प्रोटोजोआ क्या है। दे आर द यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ये एक कोश के, ध्यान रखिएगा, यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ये एक कोश के होते हैं और माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्मदर्शी जीव होते हैं। दे आर मोस्टली एक्वेटिक इन नेचर। ये कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, नेचर में ये एक्वेटिक होते हैं। दे आर फाउंड एट द बेसिस ऑफ मैनी फूड चेन एज वेल एज दे पार्टिसिपेट इन मैनी फूड वेब। ये क्या करते हैं, कई फूड वेब में, कई फूड जाल में भी अपनी भूमिका निभाते हैं। दे आइदर कैप्चर देयर फूड, ये अपने भोजन को कैप्चर भी कर सकता है, पकड़ भी सकता है, और आर पैरासाइट, और ये परजीवी के रूप में भी पाया जाता है। सम प्रोटोजोआ आर हार्मफुल, कुछ प्रोटोजोआ क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं टू अस, हमारे लिए, एज दे कैन सीरियस डिसीज़। ये क्या कर सकते हैं, सीरियस डिसीज़ फैला सकते हैं, सीरियस डिसीज़ को हमें दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, नेचर में एक्वेटिक होते हैं, और ये फूड वेब में भी अपनी भूमिका निभाते हैं। ये भोजन को पकड़ सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, ये पैरासाइट के रूप में भी पाए जाते हैं, जिसके कारण ये हमें सीरियस डिसीज़ से भी इन्फेक्टेड कर सकते हैं। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रोटोजोआ होते हैं ये हमें सीरियस डिसीज पहुंचाते हैं, और इनका सीरियस डिसीज पहुंचाने का कारण क्या है, बिकॉज दे ईट हार्मफुल बैक्टीरिया, क्योंकि ये हार्मफुल बैक्टीरिया को खाते हैं, वाइल अदर प्रोटोजोआ आर यूजफुल। लेकिन कुछ प्रोटोजोआ होते हैं जो यूजफुल होते हैं, दे आर हेटरोट्रॉपिक। ये क्या होते हैं, हेटरोट्रॉपिक होते हैं इन नेचर, प्रकृति में। सम एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ आर पैरामीशियम अमीबा एंड अमीबा ईटीसी। नेक्स्ट टॉपिक इज फंगी। देखते हैं फंगी क्या है। तो फंगी आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, जिसके कारण ये नॉन ग्रीन होते हैं। एज दे लैक क्लोरोप्लास्ट, इनमें क्लोरोप्लास्ट की कमी होती है, एंड हैंस कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड। ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। दे मे बी यूनिसेलुलर, ये एक कोश के होते हैं, और मल्टीसेलुलर बहुकोश के भी हो सकते हैं। एंड दे आर फाउंड इन वार्म और मॉइस्ट प्लेस, ये गर्म स्थानों पर और मॉइस्ट स्थानों पर पाए जाते हैं। दे कैन बी हेटरोट्रॉपिक सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक इन नेचर। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फंगी आर ईस्ट राइजोपस मशरूम पफ बॉल्स एंड मॉल्ट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ फंगी। ये सब एग्जाम्पल हैं फंगी के। योर नेक्स्ट टॉपिक इज एल्गा। एल्गी, एल्गी इज अ सिंगल और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये सिंगल और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, दैट हैज़ नो रूट्स, इनमें जड़ नहीं पाई जाती, स्टेम पत्तियाँ नहीं, तना नहीं होता, और लीफ, और इनमें पत्तियाँ भी नहीं पाई जाती। एंड इज ऑफ्टन फाउंड इन वाटर, ये पानी में पाया जाता है। मोस्ट एल्गी आर माइक्रोस्कोपिक, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बट सम लाइक सीवीड्स आर क्वाइट लार्ज, ये कुछ बड़े होते हैं। सम एल्गी लाइक क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला आर यूनिसेलुलर, वेयर एज जहाँ की ये क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला ये एक कोशिकीय होते हैं। अदर लाइक कीप आर मल्टीसेलुलर, लेकिन जो दूसरे होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। दे कैन बी मेक देयर ऑन फूड, ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकते हैं बाई फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ध्यान रखिएगा इसमें फोटोसिंथेसिस आया है, इसका मतलब आपका क्या है जानते हैं, क्योंकि जो एल्गी होते हैं इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण ये फोटोसिंथेसिस के दौरान अपने भोजन का निर्माण स्वतः कर सकते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक प्लांट भी कहते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक इज वायरस। ध्यान रखिएगा, वायरस आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया। जो वायरस होता है वो बैक्टीरिया से भी क्या होता है, छोटा होता है, और ये भी माइक्रोस्कोपिक होता है। दे डोंट हैव एनी पर्टिकुलर सेल स्ट्रक्चर, और इनकी कोई विशेष कोशिकीय संरचना नहीं होती। मींस ये अनशेप्ड होते हैं, इनकी कोई भी निश्चित संरचना नहीं होती है। अ वायरस इज लाइक अ नॉन लिविंग थिंग्स आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, और इसको हम क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। ध्यान रखिएगा, इसको हम कनेक्टिंग लिंक के नाम से भी जानते हैं, संयोजक कड़ी, जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को जोड़ने का काम करती है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है वायरस इज़ ए नॉन लिविंग थिंग आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जब तक यह बॉडी के लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के शरीर के बाहर रहता है तब तक ये क्या है, नॉन लिविंग है। लेकिन जैसे ही ये बॉडी के कांटेक्ट में आता है वैसे ही ये लिविंग बॉडीज़ के जैसे कार्य करने लगता है। दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली इन साइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यह केवल इन ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर ही क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। विच मीन्स दे नीड अ होस्ट, इसका मतलब क्या है कि इन्हें रिप्रोड्यूस करने के लिए या अपनी संख्या में वृद्धि करने के लिए पोषक की ज़रूरत होती है। देयरफॉर मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट कंसीडर टू बी ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। इसीलिए कई वैज्ञानिक इसको क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक के नाम से जानते हैं, जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच की होती है। ऑल वायरस आर पैरासाइट, और सारे के सारे वायरस कैसे होते हैं, पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं। वायरस कॉज डिसीज, और वायरस से क्या होता है, बीमारियां होती हैं। ध्यान रखिएगा, वायरस कॉज डिसीज, वायरस से बीमारियां होती हैं इन बोथ, किसमें, एनिमल्स एंड प्लांट्स, दोनों में ये वायरस क्या करता है, डिसीज़ को स्प्रेड करता है। इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस दे मे कॉज डिसीज लाइक स्वाइन फ्लू फ्लू एंड पोलियो। ये सब क्या है, ये सब आपके डिसीज़ हैं जो किसके द्वारा होते हैं, वायरस के द्वारा होते हैं। ध्यान रखिएगा, कौन कौन से डिसीज़, लाइक स्वाइन फ्लू एंड पोलियो, ये आपके डिसीज हैं जो वायरस के द्वारा होते हैं। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज वी एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम और सूक्ष्म जीव। तो देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बोथ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों होते हैं, कौन कौन से, यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल टू अस। ये हमारे लिए कैसे होते हैं, यूजफुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। फिर से एक बार मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरी वीडियो में बने हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो भी नया स्टूडेंट हैं वो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों को वीडियो पहुंचाता रहूं, ताकि आप लोग अपना कोर्स घर बैठे तैयार करते रहें। तो आगे देखते हैं, बट मोस्ट ऑर्गेनिज्म, अधिकतर और जीव, मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अधिकतर सूक्ष्म जीव आर हार्मलेस, क्या होते हैं, हार्मलेस होते हैं, एंड इवन बीन बेनिफिशियल फॉर अस, ये हमें क्या करते हैं, लाभ भी पहुंचाते हैं। सम माइक्रोब्स आर एक्सट्रीमली हार्मफुल, और कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो हमें क्या पहुंचाते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, सच एज वायरस, हार्मफुल बैक्टीरिया एंड हार्मफुल प्रोटोजोआ। ये सब क्या करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। दे आर सम यूजफुल माइक्रोब्स आर हार्मफुल माइक्रोब्स, दे आर सम यूजफुल, इनमें से कुछ यूजफुल होते हैं और कुछ क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो देखते हैं यूजफुल और हार्मफुल बैक्टीरिया क्या हैं। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे आर मैनी यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देर आर मैनी यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म अराउंड अस, हमारे चारों ओर कई ढेर सारे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पजेज, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज हम कई पर्पज के लिए करते हैं। दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, दे आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, इनको हम दही बनाने के काम में लाते हैं, ब्रेड बनाने के काम में लाते हैं, एंड केक, और केक बनाने के भी काम में लाते हैं। ध्यान रखिएगा,
दे हैव बीन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, और इनका यूज़ हम अल्कोहल को बनाने में भी करते हैं. दे आर आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट, और इनका यूज़ हम एनवायरनमेंट को साफ करने के लिए भी करते हैं. फॉर एग्जांपल द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल स्पिल्स, रिमेनिंग ऑफ एनिमल्स फॉसेस ईटीसी आर ब्रेक डाउन इनटू द हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया. और इनको क्या करता है बैक्टीरिया, ये जितने भी हमारे प्रोडक्शन होते हैं सब्जियों के द्वारा निकलने वाले छिलके या जानवरों के द्वारा निकाले गए अपशिष्ट पदार्थों को ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करके खाद का निर्माण करते हैं जो हमारे लिए बेनिफिट होता है. दे द सम यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो यूज़ है वो निम्न प्रकार से है. तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट यूज़ क्या है. मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड, कि हम कर्ड और ब्रेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कैसे बनाते हैं, कि हम दही और ब्रेड कैसे बनाते हैं. कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और कर्ड में ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. अगर आप बैक्टीरिया देखना चाहते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखना चाहते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो उसमें आपको ढेर सारे बैक्टीरिया दिखाई देंगे. द बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, ध्यान रखिएगा लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है ये हमारा क्या करता है, कर्ड को बनाने में मदद करता है. कौन सा, लैक्टोबैसिलस. इट मल्टीपल इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड, ये क्या करता है कि हमारा मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है. बैक्टीरिया आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, और बैक्टीरिया क्या करता है हमारा मिल्क से चीज़ को कन्वर्ट करने में मदद करता है. पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम, और ये क्या करता है कई ढेर सारे फूड आइटम्स को बनाने में भी मदद करता है. ईस्ट प्रोडक्शन रैपिडली एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन बबल्स ऑफ गैसेस, दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज़ ऑफ ईस्ट इज बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड पेस्ट्रीज एंड केक. इनको बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है. आप लोगों ने घर में इडली बनाई होगी, उसमें भी आप ईस्ट निकालते हैं. जलेबी खाते हैं उसमें भी आप ईस्ट बनाते हैं, मींस पहले आप उसको सड़ाते हैं, सड़ाने के बाद आप फिर उसमें से आप अपना आइटम बनाते हैं. ठीक है, तो ये जितना भी फंक्शंस होता है ये सब किसके द्वारा होता है, बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इन सबको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही द्वारा तैयार किया जाता है. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मिल्क से कर्ड गुड आफ्टरनून दोस्तों लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा होता क्लास है. क्लास 8 की ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों की हेल्प करता रहूं. इस लॉकडाउन में आप लोग घर में बैठें, सेफ रहें और हम आपका सहयोग करते रहें. ओके, धन्यवाद एंड गुड बाय. और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तब तक हमारे चैनल पर बने रहें.